सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। सो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और आज गाइस हम लोग खेलेंगे फेस टू फेस फाइट, जिसमें मैं अपने एक फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ। तो चलो, आने वाला इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा, और आप देख सकते हो हम लोग को सबसे पहली आती एक कार मिल चुकी है, और भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। लेकिन भाई दिक्कत की बात एक है, जो हमारा फ्रेंड है वो बहुत तेज़ी से कार चलाते हुए आगे की साइड आ रहा है। सो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे भाई लड़ चुके, और हम लोग मिल चुके फिर से दूसरी कबाड़ टाइप की कार, और चलो इसको लेके चलते हैं। और गाइस इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी। सो गाइस अभी तो हम लोग सेकंड चल रहे हैं, लेकिन भाई फर्स्ट हम लोग को आके रहना होगा। तो भाई आगे जाके कोई ना कोई हम लोग को मौका मिलेगा जिसमें हम लोग फर्स्ट आएंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से अपनी इस कबाड़ वाली कार को लेके चलते हैं आगे, और ट्रांसफॉर्म होते हैं और देखते हैं इस बार हम लोग को क्या मिलने वाला है। सो चलो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और भाई ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और भाई बग्गी मिली है, इसी के साथ हम लोग गिर चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से आते आते हम लोग। और भाई ये बग्गी से आने वाला काफ़ी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि भाई इस बग्गी के सामने कुछ भी आता है ना यार, किसी को भी हम लोग उड़ा सकते हैं। सो चलो हम लोग बग्गी लेके चलते हैं, अगर वो कुछ लेके आ रहा होगा सामने से तो पक्का मैं उसे उड़ाने वाला हूँ। तो चलो लेके चलते हैं अपनी बग्गी को, और भाई क्या ही चलती है बग्गी भी, और वो सामने से आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, और भाई वो साइड से निकल गया यार। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फिर से आप अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, और ये क्या मिल चुकी है भाई, वैन टाइप की गाड़ी, और इसके इतने बड़े बड़े पहिए। तो चलो इस कार को भी हम लोग ले कर चलते हैं आगे के साइड, इसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही है, और देखते हैं इसके बाद हम लोग को कौन सी गाड़ी मिलने वाली है। और भाई चलो गलत लेवल की गाड़ी है भाई, ये भी बहुत सही चल रही है। तो चलो हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने, और भाई अपना फ्रेंड ओके ये भी यहीं पे है। तो भाई फॉर्मूला F1 रेसिंग कार मिली है भाई, काफ़ी ज़्यादा प्यारी स्पीड इस कार की, आप देख सकते हो भाई गाड़ी उड़ रही है, लिटरली उड़ रही है गाड़ी, इसको चलाने में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मज़ा। और भाई को उसको कहीं से भी हम लोग को ठोक के आगे निकलना ही होगा हम लोग, क्योंकि नहीं तो ऐसे सेकेंड ही रह जाएंगे। सो गाइस क्या मिल गया अपने को भाई साहब, छी भाई ये क्या मिला है अपने, खचाड़ा सी ट्रैक्टर भाई, और भी ऊपर से एक तो ट्रैक्टर है और उस पर इतने बुरे तरीके से जंग लगा है, और भाई इसकी जो स्पीड है ना, देख देख के परेशान हो जाएंगे भाई, क्या चल रही है, एकदम कबाड़ गाड़ी है। और अगर वो सामने से कुछ अच्छी गाड़ी लेके आ गया, और मैंने आधा इसको क्रॉस कर लिया, और उसने मुझको अगर उड़ा दिया भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे अपने को। तो बहुत संभाल के हम लोग को इस ट्रैक्टर को इस ट्रैक से क्रॉस कराना होगा, और उसके आने से पहले हम लोग को वहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर लेना होगा। अगर वो आ गया ना यार, पूरे दिक्कत हो जाएगी। और अभी भी हम लोग गाइस सेकंड पे चल रहे हैं, तो चलो जल्दी जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी इस कबाड़ वाली ट्रैक्टर को लेके, और अपने को करते हैं ट्रांसफॉर्म। सो आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोग आ चुके हैं, और भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा बीच बीच में इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, हम लोग की गाड़ी बच कैसे रही है, ऊपर से ये खचाड़ा ट्रैक्टर कैसे बच रहा है। तो चलो इस ट्रैक्टर को जल्दी जल्दी से हम लोग लेके आ चुके हैं एंड में, और भाई वो ट्रांसफॉर्म हो गया, हम लोग को जल्दी पहुंचना होगा। सो ओके गाइस, और सामने लड़ चुका है, तो अब हम लोग को टेंशन की बात नहीं है, हम लोग ट्रक मनते हैं और जल्दी से यू टर्न लेते हुए हम लोग भागते हैं। सो इसी के साथ गाइस हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं, अब ट्राई करना है कि उसे फर्स्ट नहीं आने देना है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी ट्रक को लेके, और ट्रक की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो क्या चल रही है ट्रक। सो जल्दी जल्दी से हम लोग अपनी ट्रक को लेके चलते हैं, और देखते हैं अब हम लोग क्या मिल गया, हम लोग का फ्रेंड भी हम लोग के जस्ट पीछे आ रहा है। सो चलो उसको आने देते हैं, और हम लोग फिर से बन चुके हैं कार, और भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारी कार है ये भी। सो चलो इस कार को लेके चलते हैं, और भाई मे भी वो भी पीछे आ रहा है, और काफ़ी प्यारी कार है भाई, क्या चल रही है इसकी, मतलब कंट्रोलिंग बहुत सही है। सो भाई स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस कार की। तो हम लोग लेके आ चुके हैं इस वाले कार को फिर से अपने को ट्रांसफॉर्म करने, और क्या मिलती। सो गाइस हम लोग को मिल चुकी बग्गी, और हम लोग का दोस्त आ गया यार, नहीं तो इसको गारंटी में उड़ाता यार, मज़ा आ जाता उड़ा के। चलो कोई बात नहीं गाइस, वो भी आ चुका है, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं फिर उठे ट्रांसफॉर्म, मुझको एक बार उसे उड़ाना है यार, उड़ाने में आता है मज़ा, क्योंकि है फेस टू फेस फाइट, जब तक भाई उड़ाएगी नहीं तो मज़ा क्या आने वाला है। सो चलो अब जल्दी से लेके चलते हैं अपनी बग्गी को, और होते फिर से ट्रांसफॉर्म। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग हो चुके ट्रांसफॉर्म, और ये क्या ऑल्टो जैसी कार मिल गई अपने को छोटी सी, और भाई वो बग्घी से आ रहा है, तो हम लोग को बचना होगा नहीं तो उड़ा देगा हम लोग को। सो थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते होते इसी के साथ हम लोग बच चुके हैं भाई, पूरी प्लानिंग के साथ आया था हम लोग को उड़ाने के लिए, लेकिन हम लोग इसी के साथ बच चुके हैं, और अपनी ये छोटी सी अल्टो जैसी कार को लेके चलते हैं, और फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं, और देखते हैं हम लोग को अब नेक्स्ट कार क्या मिलने वाली है। और वैसे भी गाइस हम लोग अभी फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग को फॉर्मूला रेसिंग कार ये दूसरी वाली मिल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी स्पीड है यार, क्या चल रही है ये कार। सो हम लोग ने अपने फ्रेंड को ठोका, लेकिन भाई ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट थी, और
गलत सीन हो गया हम लोग के साथ, हम लोग नीचे गिर चुके हैं। तो चलो फिर से हम लोग आ गए और अपना दोस्त भी बन चुका है फॉर्मूला रेसिंग का, तो हम लोग को जल्दी से भागना होगा यहाँ से, नहीं तो यार बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी इसे लेके चलते हैं अपनी कार को काफी ज्यादा अच्छी स्पीड में। और हम लोग आ चुके हैं अपने ये नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन पे, और भाई तो चलो हम लोग हो चुके हैं ट्रांसफॉर्म, अब देखते क्या मिलता है हम लोग को। ओ भाई ये क्या मिल गया, छोटा सा टैंक भाई, अब अगर उसने देख लिया ना मुझको लिटरली उड़ा के जाएगा। सो हम लोग बच चुके हैं इससे, और भाई इस टैंक को लेके जाना, स्पीड तो इसकी सही है लेकिन क्या बताऊँ मैं यार, इसमें थोड़ी सी पावर नहीं है, अगर कोई कार ने भी मुझको ठोका तो भाई डायरेक्ट मैं नीचे मिलने वाला हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी से इस टैंक को लेके चलते हैं नीचे। और भाई ये क्या कैसी सी छोटी सी टैंक है, आप देख सकते हो, मैं आगे से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। भाई ये चल भी तो नहीं सकती यार, अगर चलती तो कितने एडवांटेज रहता, अगर कोई सामने से आता तो हम लोग डायरेक्ट शूट करके उन्हें उड़ा सकते थे। तो चलो हम लोग टैंक लेके भी अपना आधा रास्ता पार कर चुके हैं और हम लोग आने वाले अपने ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर पर, और देखते हैं इसके बाद हम लोग को कौन सी गाड़ी मिलने वाली है। अगर मेरे दोस्त ने कहीं से भी मुझको ठोक दिया ना भाई, बहुत दिमाग खराब होने वाला है। और अगर मुझको कोई अच्छी गाड़ी मिल गई तो गारंटी मैं अपने फ्रेंड को ठोकूंगा और काफ़ी ज़्यादा उससे आगे हो जाऊँगा। सो चलो हम लोग आ चुके हैं, अब ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, और भाई मेरा दोस्त भी पीछे पीछे आ रहा है तो उसको भी हम लोग उड़ाना होगा। सो चलो अब मिल चुकी है टैंक बड़ी सी, और वो लेके आ चुका है छोटी वाली टैंक। तो चलो बाय बाय ब्रो, बाय बाय। तो आगे हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा, तो इसी के साथ अपनी बड़ी वाली टैंक को लेके चलते और वो फिर आ रहा है सामने से, उसको फिर उड़ाने की ट्राई करते हैं, देखते क्या उड़ पाएगा वो। सो हम लोग चलते जल्दी जल्दी से, और भाई चलो वो लेके आ रहा है लेकिन वहाँ काफ़ी धीमी स्पीड से आ रहा है। तो चलो अरे यार उस साइड से निकल गया, निकलने दो, अब देखते हैं हम लोग को क्या मिलती है। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग को बगी मिल गई है, और बगी से अब देखो आएगा काफ़ी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी से चलते उसके पास, उसको थोड़ा सा ट्रोल करते, काम करता हूँ थोड़ा सा धीमा करता हूँ और ट्राई करता हूँ उसे धक्का देने की, आएगा काफ़ी ज़्यादा मज़ा। तो भाई इसको भी बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा आगे चल के एक काम करता हूँ, मैं आगे बग्गी अपनी बढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी से और उसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो रोने लगेगा पक्का। सो चलो हम लोग आ चुके हैं जल्दी जल्दी से फिर से अपने ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर पे, और यहाँ से हम लोग को मिल चुकी है अपनी एक कूपे कार, और इसको भी लेके चलते हैं अब जल्दी से। और रोने को अभी तक आ रहा है सामने से, भाई मन तो कर रहा है उसे उड़ा दूँ लेकिन छोड़ो यार, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पीछा चल रहा है, और भाई अगर मैंने उसे उड़ा दिया ना बेचारे के गलत सीन हो जाएंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ और देखते हैं अब क्या हम लोग ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। सो ऑल राइट गाइस, ये क्या मिल गया अपनी को, इतनी बड़ी सी ट्रक। अरे भाई साहब ये क्या है, ये तो कंट्रोल में भी नहीं आ रही है, इसको तो लेके मैं पक्का गिरूंगा यार। तो चलो कोई बात नहीं, इसे भी धीरे धीरे लेके चलते हो। भाई इसका कंट्रोल अजीब सा काफ़ी ज़्यादा यार, वो बहुत बचा के चलना होगा। और इसी के साथ यार मेरे दोस्त ने थोड़ा सा ठोकर भी मारी और मैं खुद गिर गया। सो चलो हम लोग फिर से रिस्पॉन हो चुके हैं अपनी जगह पे, और इस ट्रक को भाई पार कराना बहुत मुश्किल का काम है। सो चलो आराम आराम से अपनी ट्रक को लेके चलते आगे के साइड, और अपना फ्रेंड भी आ रहा है मे बी। सो भाई अगर वो हम लोग को ठोकेगा तो हम लोग को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप इस ट्रक का भाई टेक्सचर देख के समझ सकते हो कितना ज़्यादा वेट होगा। तो हम लोग के दोस्त ने मुझको ठोका और भाई आप देख सकते हो उसकी टैंक पलट चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो ये फंसा रह जाएगा। सो चलो हम लोग ने पीछे ले लिया, उस शांति से समझ गया कि हम लोगों को तो ठोक नहीं पाएगा, तो उसे निकलने देते हम लोग, क्योंकि कोई मतलब नहीं, हम लोग को ठोक के कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी से अपने इस बड़ी सी ट्रक को लेके चलते एकदम एंड पॉइंट पे। अगर उसने बग्गी ले आई ना भाई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बग्गी भाई किसी भी चीज़ को उड़ा सकती है, और ये ट्रक मैं इतने एंड तक लाने के बाद नहीं चाहता हूँ कि एक बार भी गिरे, नहीं तो भाई पूरे गलत सीन हो जाएगा अपने साथ। सो इसी के साथ हम लोग अपनी ये बड़ी वाली ट्रक लेके आ चुके एकदम एंड पॉइंट पर। ये बग्गी लेके आया और इसने क्या किया वो भाई। सो गाइस मैंने अपनी ट्रक को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है कि हम लोग की ट्रक गिरे ना, अगर लिटरली गिर जाती गाइस ना मैं इसको पक्का बता रहा हूँ कोई भी गाड़ी में आने नहीं देता। चलो उसको आराम से जाने देते हो, ये खुद से अपने आप गिर चुका है, तो छोड़ो उसे गिरने। तो हम लोग अब जल्दी से अपनी एक बड़ी सी दिखने वाली ट्रक को पार कराने वाले, और ये गिर के फिर से मुझको प्रॉब्लम करने आ रहा है। और भाई चल तुम चलो मेरे साथ चलो भाई, ये चाह रहा है कि मैं कोई तरीके से यहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन कब तक रुकूंगा, मैं तो आ चुका हूँ और ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूँ। तो चलो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और देखते हैं अब क्या मिलती है अपने को। सो ऑल राइट गाइस, वही ऑल्टो वाली कार मिली, और अपना दोस्त भी आ गया, और एक काम करते हैं उसको कोशिश करते हैं ओवरटेक करने, क्योंकि हमारी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है।
और भाई ऐसी बात नहीं है, उसकी भी कार की काफ़ी ज़्यादा स्पीड, आप देख सकते हो क्या भाग रही है उसकी कार। अगर मुझको मौका मिला कहीं से ठोकने का तो पक्का ठोकूंगा। तो चलो हम लोग अपनी कार को लेके आ चुके हैं और भाई कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो लेफ्ट राइट हुआ तो गलत सीन हो सकते हैं। सो उसे मिल चुकी बड़ी वाली ट्रक, तो अभी टेंशन की बात नहीं, अभी उसे मुड़ने में लगने वाला है काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो ये हम लोग की जो गाड़ी है इसको हम लोग लेके जा रहे थे लेकिन हम लोग गिर चुके हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फिर से रिस्पॉन लेके और फिर से अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं, और अभी तक उसकी ट्रक नहीं उड़ी भाई, क्योंकि इतनी वाहियात ट्रक थी ना कि क्या बोले। तो चलो अपनी इस वाले वैन को लेके चलते जल्दी से आगे और फिर से अपनी व्हीकल को करते हैं ट्रांसफॉर्म और देखते इसके बाद क्या मिलने वाला है। बाकी इस वैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही है। तो चलो हम लोग इस अपनी वैन को लेके आ चुके और भाई अब देखते क्या मिलता है अपने को। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग को मिल चुकी है बग्गी। अगर मैं चाहूँ तो अपने फ्रेंड को गिरा सकता हूँ लेकिन सोच रहा हूँ ना गिराऊँ, नहीं तो उसके साथ बेचारे के साथ बहुत गलत सीन हो जाएगा। और भाई उसके पास बड़ी वाली ट्रक है, वो खुद पहले आ जाए ट्रैक पे, गिराने की तो बात ही दूर रखो। तो चलो हम लोग अपनी बग्गी को जल्दी जल्दी भगाते हुए आ चुके हैं आगे की साइड और वो सामने से आ रहा है। क्या मुझको गिराना पड़ेगा उसे फिर से? कोई बात नहीं भाई, चलो बाय बाय। मे बी वो गिर चुका है, मे बी सुखाई गलत सीन उसके साथ। तो हम लोग को ये क्या मिली है, ओके ट्रक मिली है बड़ी वाली। तो हम लोग आराम से लेके चलते हैं और भाई वो भी बच चुका है, हम लोग की बग्गी से गिरा नहीं था। सो भाई ट्रक लेके चलते हैं जल्दी जल्दी से और देखते हैं इसके बाद अब क्या होने वाला है। सो गाइस हम लोग की ट्रक काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड में चलती है और भाई उसकी ट्रक अभी तक यहाँ पर, चलो थोड़ी हेल्प करते हैं उसकी। सो गाइस मैं हेल्प कर रहा था, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होके नीचे गिर गया। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग इसी के साथ अपना गेम करने वाले ओवर। सो ऑल राइट गाइस, इसी के साथ हम लोग का हो चुका है गेम ओवर और गाइस हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट, आप देख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए, जैसे कि मेगा रैम वीडियो होती है और पार्कोर वीडियोस है और फेस टू फेस फाइट है, ये सब की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा कि आप वीक में दो बार ये सब की वीडियो डाल सकूँ कि आपको भी देख के मज़ा आए। सो चलो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।